चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो मतलब कुछ लोग ये समझेंगे कि हमें भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे बहुत कम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, इसलिए कि हम जा रहे हैं तो उनकी सोच बदले और वे भी अपनी लड़कियों को लड़कों को भेजें वहाँ पे। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश जिला शामली की ऐसी नौजवान लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरी है। ये लड़कियाँ छोटे शहरों छोटे कस्बों से निकलकर अपने दम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों में जगह बनाई है। आइए जानते हैं कि इनका जीवन का संघर्ष कैसा रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम मनीता है। मेरा नाम पूजा है। आप कहाँ से है और आपने किस विषय में पढ़ाई की है? मैं गांव असदपुर जुड़ाने से हूँ। मैंने शामली जिले के कांदला कॉलेज से राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय से बीए किया है। मैं भी गांव असदपुर जुड़ाने से ही हूँ और मैंने भी आर्ट से ही बीए किया है। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक मजदूर है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। सर मेरे पापा भी एक किसान है और मेरी मम्मी हाउस मेकर है और मेरे भैया दुकान करते हैं। जैन यूनिवर्सिटी में अभी आपका प्रवेश की सूची में नाम आया है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका नाम आया है। आपके गांव आपके कॉलेज में अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं? यह सर सभी जगह खुशी का माहौल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जेएनयू में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। आप जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या आपकी वजह से जिला शामली की लड़कियों के लिए और भी रास्ते खुलेंगे? अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो मतलब कुछ लोग ये समझेंगे कि हमें भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फ्रेंड गई हुई है वहाँ पे वो हमारा इतना सपोर्ट कर रही है। वो बोल रही है कि अगर मैं डीयू में जा रही हूँ, वो डीयू में पढ़ती है, तो वो पार्टी देगी सीनियर के लिए। वो बहुत खुश है कि हम वहाँ जा रहे हैं। सर मेरा जेएनयू जाने का एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे यहाँ से जो बैकवर्ड क्षेत्र है यहाँ पे बहुत कम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, इसलिए कि हम जा रहे हैं तो उनकी सोच बदले और वे भी अपनी लड़कियों को लड़कों को भेजें वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटियों में। आपकी जानकारी में आपके आसपास या जिला शामली में ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जा पाई हैं? सर ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी एक फ्रेंड है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और एक फ्रेंड है अभी इसका जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ और फ्रेंड है उन्होंने भी जेएनयू के लिए और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया लेकिन उनका कुछ कारण वजह से नहीं हो पाया। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी पिछले समय में काफ़ी विवादों में रही है, आपने भी काफ़ी पढ़ा होगा कि एक एक खास तबके के द्वारा उसको बदनाम किया गया है, तो आपने जेएनयू के बारे में क्यों सोचा? विनोद सर बोलते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी बेकार नहीं है, जो 100 साल से खड़ी हुई है बच्चे वहाँ पे न जाए, ये भी कारण हो सकता है उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि जेएनयू में गरीब तबके के बच्चे जाते हैं और जो आज के हमारे राजनीति में बड़े लोग हैं वे नहीं चाहते कि गरीब बच्चे वहाँ पर जाके अपना अधिकार मांगे। आपका प्रवेश जेएनयू में हुआ है और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो अभी आपने किस किस विषय में वहाँ प्रवेश लिया है, किस किस का चुनाव किया है, किस विषय? सर मेरा एमए हिंदी से है। सर मेरा भी एमए हिंदी से ही है। आपने भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई है, आपको यह मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर ये मोटिवेशन हमें हमारे जो कॉलेज में चंदन सर थे उन्हीं से मिला है, उन्होंने ही हमें जेएनयू के बारे में बताया। उससे पहले हमें जेएनयू के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये एक यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ पे है। सबसे पहले तो हमारे पथ प्रदर्शक जो है वे चंदन सर ही रहे हैं, उन्होंने ही हमें दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था और फिर वे तो यहाँ से चले गए हमारे 2 साल की पढ़ाई करवाने के बाद, लेकिन फिर रामायण सर आए और उन्होंने हमारा पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करा, यहाँ तक कि हमारी कुछ बुकें थी सर ने खुद अपने पास से दी और उन्हीं की वजह से आज हमारा वहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना यह मानता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। मनीता और पूजा की सफलता का यह प्रयास बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
और यह प्रयास आगे भी महिलाओं के लिए, लड़की नौजवान लड़कियों के लिए और भी रास्ते खोलेंगे।